नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वह 9 अक्टूबर 2023 से लेकर 9 नवंबर 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन आप इस फॉर्म को तभी भर सकते हैं तब जब आपके पास ओटीआर नंबर हो, यानी कि ये ओटीआर नंबर प्राप्त करना आपके लिए अनिवार्य है। अब ये ओटीआर नंबर कहाँ से प्राप्त होगा? तो आप यूपीपीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे दिया हुआ है upcs.up.nic.in पे जाके आपको सबसे पहले ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये लगभग 2021 के बाद ये वैकेंसी आ रही है और ये बड़ी वैकेंसी है। देखिए, 180 पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ था, लेकिन वर्तमान में पदों की संख्या कितनी है? तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए वर्तमान में पदों की संख्या 411 है और ये वैकेंसी बढ़ेगा। अभी जैसे ही आपका प्री एग्जाम होगा उसके बाद से ये वैकेंसी बढ़कर 500 प्लस भी हो सकता है। तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है कि इतने बड़े पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पे। अब बात कर लेते हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म कौन कौन भर सकता है। देखिए, समीक्षा अधिकारी का मतलब होता है आरओ, यानी कि रिव्यू ऑफिसर। रिव्यू ऑफिसर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने बीएससी कर रखा हो, चाहे आपने बीए कर रखा हो, चाहे आपने बीकॉम कर रखा हो, चाहे आपने बीसीए कर रखा हो, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आरओ के लिए आपके पास कोई भी कंप्यूटर डिग्री की अनिवार्यता नहीं है, किसी भी प्रकार की, चाहे वो CCC हो, चाहे ओ लेवल हो। आरओ एग्जाम के लिए आपको किसी भी कंप्यूटर डिग्री की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी कि एआरओ की वैकेंसी, इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ओ लेवल की डिग्री होना चाहिए। किसका होना चाहिए? तो ओ लेवल की डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओटीआर नंबर प्राप्त कर लेना है upcs.up.nic के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, उसके बाद से आपको ये फॉर्म भर देना है। आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं और अगर आपकी उम्र 21 से 40 के बीच में है, ठीक है, अगर आपने 21 वर्ष की उम्र पार कर लिया है और 40 वर्ष के हैं तो आप आसानी से इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। देखिए, इसकी तैयारी आपको कृष्णा एकेडमी ऐप पे ऑलरेडी कराया जा रहा है, जहाँ पे हमने आपको पॉलिटी पढ़ा दिया, ठीक है। पॉलिटी लगभग खत्म हो गया है, एक दो लेक्चर और उसमें बचा हुआ है। यूपी स्पेशल मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद से बात कर लें तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और जैसे ही आपकी पॉलिटी खत्म होगी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, ठीक है। कैसे तैयारी करना है, कैसे नहीं करना है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कम समय में कैसे आरओ यारो की तैयारी करने है और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप उस पर भी एक मैं वीडियो ऑलरेडी एक और बना के आपको दे दूंगा, ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको कि तैयारी इसकी कैसे करना है। बहुत सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो इस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, 140 नंबर का जीएस का पेपर होता है और 60 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है। अगर हिंदी में आप 50 प्लस या 55 प्लस कर ले गए और जीएस में अगर आप 75 प्लस कर ले गए तो आप आसानी से आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा। और हिंदी में 60 में से 55 प्लस नंबर आसानी से आप ला सकते हैं, क्योंकि आपको हिंदी के लिए सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ने हैं। तत्सम तद्भव पढ़ना है, विशेष विशेषण पढ़ना है, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है और शुद्ध वर्तनी पढ़ना है। यानी कि यही 6 टॉपिक पढ़ना है और प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी कि कुल 60 क्वेश्चन आएगा और अगर इसमें आप 55 प्लस कर ले जाते हैं। अब देखिए, 55 प्लस कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हिंदी पे आपको विशेष ध्यान देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीएस पे पूरा जोर लगा देते हैं और हिंदी पे ध्यान नहीं देते। अगर आप स्मार्ट इस अप्रोच अपनाएंगे, हिंदी को अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो हिंदी में आसानी से आप 50 प्लस नंबर ला सकते हैं। और जीएस में अगर आप 140 में से 75 प्लस भी नंबर ला देते हैं तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है, कैसे नहीं करना है। वैकेंसी आ चुका है, अगर आपने ओटीआर फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो प्लीज़ ओटीआर फॉर्म को जरूर भर दीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। रही बात इसके एग्जाम की, कि भैया अगर अक्टूबर में एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है और नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा तो इसका एग्जाम कब तक होगा? तो इसका एग्जाम जनवरी 2024 में ही होगा, दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी में ही आपका इसका एग्जाम होगा।
अब जनवरी में, जनवरी मिड या जनवरी फर्स्ट वीक तक इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो मोटा मोटी आपके पास 90 से 100 दिन का समय है, 90 से 100 दिन का समय है, आप आसानी से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और आज से आपको कृष्णा एकेडमी के ऐप पे डेली दो दो क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैं भी इसी वैकेंसी के इंतजार में था कि जैसे ही वैकेंसी आ जाए तो तैयारी करना हम लोग शुरू कर दें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।